हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों क्लास 11 की एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, तो वन वाला हम डिस्कस कर चुके थे दोस्तों, 2, 3 डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम लोग 4 शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है? कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है दोस्तों। ठीक है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिखना है बिल्डर फॉर्म में। तो पहला हमारा देखिए क्या दिया है, 3, 6, 9, 12। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारा सेट दिया है दोस्तों ए इज इक्वल टू, तो दोस्तों ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, ये आपका दिया हुआ। ठीक है, अब हम लोग को ये लिखना है किसके फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक, मतलब कि लैंग्वेज के फॉर्म में ये चीज़ों को हम क्या करेंगे दोस्तों, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे। ए क्या है दोस्तों, एक्स। ठीक है, ऐसे शुरू करेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ए क्या है, एक्स है सच दैट, इसके मेंबर किस तरीके के हैं, एक्स टाइप के हैं, एक्स टाइप के हैं, सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। 3n देखिए दोस्तों, ये नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, इतना जो देखकर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, मतलब देखिए 3 का मल्टीपल है, तो हम क्या लिखे हैं दोस्तों, 3 टाइम्स n। ठीक है, 3n टाइप का नंबर है। x क्या है, x जो है 3n टाइप का एक नंबर। अब इसमें क्या करिए, आप n को बिलोंग करा दिए नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर n क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर में दोस्तों क्या क्या आता है, 1 से शुरू होता है, 2 3 4, इस तरीके से चलता चला जाता है। लेकिन ये चलता चला जाता है, तो जब 1 रखिएगा तो आपको 3 मिल जाएगा, 2 रखिएगा तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ाते जाइएगा, 3 रखिएगा 9 मिल जाएगा, 4 रखिएगा 12 मिल जाएगा, तो आगे 5 भी आएगा तो 5 रखिएगा 15 मिल जाएगा, तो दोस्तों 6 रखिएगा 18 मिल जाएगा। तो लेकिन दोस्तों हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ 12 तक ही ये सेट में जो है, हमारे पास जो है नंबर हमको सिर्फ 12 तक ही लेना है, ना कि हमको 15 लेना है, ना कि हमको 18 लेना है। तो उसमें क्या करिए, आप एन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाइए, एन कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, एन लेस देन 3 4 द 12, तो लेस देन 5 कर दीजिए। ठीक है, मतलब एन जो है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है दोस्तों, तो मतलब इसमें क्या कितने आएंगे, 5 से छोटा 4। ठीक है, 5 आपको नहीं लेना, क्योंकि 5 से छोटा लेना, तो 1 2 3 4 तक ही अब सेट में हमारे आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, तो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए दोस्तों। ठीक है, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, या एक्स इज इक्वल टू 3n, और n बिलोंग्स टू n, और जो है n जो है दोस्तों लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 या 4 से छोटा। इस बार क्या है, 4, 4 को आपको लेना है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है ना, तो 4 के बराबर या 4 से छोटा, तो इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों। और नेचुरल नंबर क्योंकि एन से शुरू होता है, 1 से शुरू ही होता है, तो आपको इधर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कि आप कहीं कहीं बुक में आप देखिएगा सोल्यूशन में, तो आपको वहां लिखा रहेगा 1 less than equal to n less than equal to 4, इस तरीके का लिखा पाइएगा, या 1 से बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो 1 less than equal to n less than 5, इस तरीके से आप लिख दीजिए। ठीक है, मतलब 1 या 1 से बड़ा, 1 आपको लेना है, 1 से 1 या 1 से बड़ा, और 5 या 5 से सॉरी 5 से छोटा, तो ये अलग है, या कहिए 4 या 4 से छोटा, या 1 या 1 से बड़ा। ठीक है, तो क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो आप इसको आप लिखिए, चैनल लिखिए, कोई मतलब नहीं। ठीक, तो ये आपका आंसर दोनों है, चाहे आपको ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इसी तरीके से दोस्तों। दूसरा देखिए 2 4 8 16 32, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 4 8 a = क्या है, 2 4 8 16 32। अब देखिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है, तो किस तरीके से लिखिएगा, ए इज इक्वल टू एक्स, ए क्या है, एक्स टाइप के इसमें एलिमेंट है, सच दैट एक्स क्या है,
टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा 16, मतलब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो मतलब पावर में जाएगा। टू का एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो आप टू आएगा, दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो चार आएगा, तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो एट आएगा। तो मतलब टू की पावर 10 टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एन। एन को आप कहाँ बिलोंग कर दीजिए, एन जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर दीजिए। नेचुरल नंबर में आपको वन टू थ्री फोर मिलता चला जाएगा, वन रखिएगा तो ये मिल जाएगा, टू रखिएगा थ्री फोर फाइव, और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी क्योंकि आगे बढ़ता चला जाता है नेचुरल नंबर, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। एन क्या करिए आप, छः से छोटा कर दिए, बस ये आपका आंसर। या आप लेस देन इक्वल टू लगाना चाहते हैं तो वहाँ लेस देन इक्वल टू फाइव लगाइएगा। जब लेस देन इक्वल टू लगाइएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये आप फाइव लगाइएगा, ठीक। तो चाहे आप जो लिखें, ठीक है, अगर सिक्स वाला लिखेंगे तो इस तरीके से लेस देन सिक्स, क्योंकि टू की पावर फाइव क्या होता है दोस्तों, टू की पावर फाइव क्या होता है, 32, ठीक है। अब उसके आगे आपको नहीं जाना, ठीक है। तो आपको यहाँ तक ही, आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको यहीं तक लिखना पड़ेगा, टू की पावर एन, एन लेस देन सिक्स, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरीके से हो गया दोस्तों 525, 125, 625, इसी ये भी देखिए। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये सेट है 525, 125, 625, ठीक है। हमने इसको लिख लिया, ठीक है, इस थर्ड वाले को हमने लिख लिया। अब इसका सोल्यूशन देखेंगे, तो देखिए दोस्तों ये क्या है, 525, फिर 5 मल्टीप्लाई करिए, फिर 5 मल्टीप्लाई करिए, आप ये नंबर पा जाइएगा। मतलब 5 की पावर n टाइप का है, 5 एक बार मल्टीप्लाई करिएगा ये, दो बार मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा, तीन बार मल्टीप्लाई करिएगा तो ये नंबर आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में बिलोंग करा दिए ने n को, और क्या करिए n को रिस्ट्रिक्शन लगा दी, देखिए 1 2 3 4, तो 5 से कम कर दिए, ठीक। कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं दोस्तों, ठीक है। अब ये दोस्तों, अब ये फोर्थ और फिफ्थ आपके लिए होमवर्क, ठीक।